जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय एक केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस ये एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है यहां मन। उस संकट का सामना हम यहां करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयाओं में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आके लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का भी। आप जो कर्म करेंगे आपके कर्म आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दे, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए। अब यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम सभी कभी ना कभी जीवन में ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है? आपको एक बात बता दूं, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वो पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण ये है कि ईश्वर ये बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वो इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहिए, यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पे अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वही नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है। अब क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदापि नहीं। देखिए, नीम कड़वा है इसमें नीम का कोई दोष नहीं है, दोष जिवा का है, इसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं।
तो नीम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे आपको क्या सीख मिली? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पे स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण ये स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। क्या आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींच के तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी ये सोच के देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात यदि पात्र सीधा ही रहे तो वो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता, ना जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है। उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाके जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाके खींच के आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छिपी है, एक सीख जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और उस सीख का नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं, कुछ भी टिकेगा नहीं। तो विनम्र रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। कभी आपने सोचा है कि वो क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? जैसे कि आप मार्ग से चल रहे हैं, पांव में मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे जीवन में छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती। देखिए, यदि एक चाक है जो टूटी हुई है, वो आपको मिट्टी के पात्र नहीं बनने देते। उसी प्रकार किसी से ईर्ष्या करना आपको महान नहीं बनने देता। मैं ऊंचा हूं और वो नीचा है, ये विचार कभी आपको ऊंचे उठने नहीं देता। मन से सारे विकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच सब निकाल फेंकें। इस सोच को बड़ा कीजिए, सकारात्मकता लाएं और पूर्ण समर्पण से कर्म करते जाएं। महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूमेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन में जब भी हम किसी ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जिस पर कांटे हैं, छोटे कंकड़ हैं जो चुभ सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पादुकाएं पहनते हैं और तत्पश्चात हम बड़ी सरलता से उस मार्ग से चल के जा सकते हैं। किंतु यदि पादुका और पांव के बीच कोई छोटा सा कंकड़ आके फंस जाए तो हम कोमल से कोमल मार्ग को भी नहीं पार कर सकते। कुछ समझे आप? इसका सार यही है कि हम बाहरी युद्ध जीत सकते हैं, वहां पे सफल हो सकते हैं, किंतु उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण और कहीं अधिक कठिन आंतरिक युद्ध होते हैं, आंतरिक कठिनाइयां होती हैं। लोभ, मोह, क्रोध, लालच, भय, यदि ये आपके भीतर हैं, तो आप संसार के किसी भी स्तर तक पहुंच जाए, कितना भी बड़ा युद्ध जीत जाइए, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो सर्वप्रथम स्वयं को सुधारें, तत्पश्चात इस संसार को जीतें और उससे पहले मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कभी कभी हम किसी कार्य को आरंभ करने के विषय में सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, फिर और सोचते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, ये अनुचित नहीं कि हम किसी कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसके विषय में सोच विचार करें, उसे समझें, ठीक है, किंतु सारा समय इसी में व्यर्थ करना उचित नहीं। यदि आपने अधिक समय लगा दिया तो समय आपसे रुष्ट अवश्य होगा, और क्यों ना हो, आप समय को नष्ट कर रहे हैं, ये उचित नहीं।
देखिए निश्चित रूप से सोच विचार कीजिए, आकलन कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, किंतु ये भी स्मरण रहे कि उस उचित समय में आपको कर्म आरंभ करना है। सोचते ही रहोगे तो कर्म आरंभ नहीं कर पाओगे। और ये समय अत्यंत बलवान है, इसका सम्मान करोगे तो ये आपका साथ देगा, नहीं करोगे नहीं देगा। आइए इस समय का सम्मान करें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अच्छी मंशा पर, अच्छे विचारों पर, अच्छे कर्मों पर लोग संदेह करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, प्रमाण मांगते हैं, शुद्धता की परीक्षा देने को कहते हैं, और तब निश्चित रूप से दुख होता है। हम सोचते हैं कि यही जीवन है, इतना अच्छा सोच के भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पे ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है, किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि यदि कोई आप पर संदेह करता है तो उन्हें करने दे। संसार में क्या होता है, देखिए संसार में स्वर्ण की शुद्धता को ही परखा जाता है, कोयले की कटुता को नहीं। आप स्वर्ण हैं तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाए, वो तो होना ही है। आप स्वयं को दुखी मत कीजिए, आपका केवल एक कर्म है, स्वर्ण की भांति चमकते रहिए। संसार को आपके सोच विचार, आपके कर्म का, आपकी शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। कई बार ऐसा होता है जहां लोग हमारे सत्य को अस्वीकार करते हैं और लोगों की मिथ्या बातों को स्वीकार कर लेते हैं, वो भी बड़ी सरलता से, तब हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा क्रोध आता है लोगों की सोच पर। पर यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसा होता है तो क्यों, क्या कारण आप है? क्या आप में कोई दोष है? कदापि नहीं। कारण यह है कि सत्य, इस सत्य का मूल्य कहीं अधिक है, इतना अधिक है कि कई बार बड़े से बड़ा धनी भी इसका मूल्य चुका नहीं सकता। वहीं बात की जाए यदि मिथ्या की, तो इसका मूल्य बहुत छोटा है, बड़ी सरलता से इसलिए मिथ्या सब में बिक जाता है। आपका कर्म सत्य कहूं तो ये नहीं कि आप सोचते रहें कि लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे, आपके सत्य को क्यों नहीं समझ रहे। आपका कर्म है अपने सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ चलते रहे, क्योंकि सत्य भी उन्हीं के पास आएगा जो सत्य को खोजना चाहते हैं, अन्यथा अधिकतर लोग मिथ्या में ही प्रसन्न है। आप कर्म करते जाइए, अपने सत्य के साथ आगे बढ़ते जाइए, सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता, संसार के समक्ष एक न एक दिन अवश्य आएगा, और तब भी ये लोगों पर है कि वो स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। आप कर्म करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।